हाथों की लकीरों में नसीब नहीं होता, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। इस लड़की के दोनों हाथ नहीं है, पर उसकी आंखों में सपने हैं, और उसे ये सपने देखने की अभिलाषा प्राप्त हुई है दीप स्तंभ के मनोबल प्रकल्प से। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु के ऊपर के गरीब, आदिवासी, विकलांग और अनाथ विद्यार्थियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। समाज ने उन्हें अपना मानकर ताकत, हिम्मत देनी चाहिए। इस उद्देश्य से महाराष्ट्र के जलगांव जिले के प्रोफेसर यजुर्वेंद्र महाजन, इन्होंने अपने सहकारियों के साथ मिलकर जलगांव और पूना, इन शहरों में दीप स्तंभ फाउंडेशन के तहत मनोबल और संजीवन प्रकल्पों की शुरुआत की। अंध, अस्थिव्यंग, गूंगापन, बहरापन होने वाले दिव्यांग, साथ ही साथ अनाथ और आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, बैंक, कंप्यूटर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट आदि की रेसिडेंशियल और फ्री ट्रेनिंग देने वाली दीप स्तंभ भारत की पहली और एकमात्र संस्था है। विकलांग होना यानी कमजोर होना, इस गलत फहमी को मिटाकर मनोबल ने दिव्यांग विद्यार्थियों को उड़ना सिखाया। मनोबल केंद्र के कई बच्चे आज खुद के पैरों पर खड़े होकर स्वाभिमान से जी रहे हैं। रोने के बजाय वे परिस्थिति से लड़ रहे हैं। उनकी आंखों में आंसुओं की जगह आज आत्मविश्वास छलकता है, और ये आशा का किरण उनके जीवन में लाया है दीप स्तंभ के मनोबल परियोजना ने। मनोबल प्रकल्पातील पहिली जी बॅच आहे त्या पहिल्या बॅचचा मी विद्यार्थी आहे। जवळपास 60-62 विद्यार्थी होते, त्यापैकी जवळपास 80% विद्यार्थी हे कोणत्या ना कोणत्या पदावर गेलेले आहेत। आमच्यासाठी विशिष्ट अशी यंत्रणाच कुठे नव्हती, आणि मी एंट्रन्स एक्झाम दिल्यानंतर इथे माझी मुलाखतीसाठी निवड झाली। इथे आल्यानंतर मला माझ्या सरांनी माझ्या विषयाबद्दल, म्हणजे ग्रॅज्युएशनमध्ये ज्यामध्ये मी मेजर केलं त्या विषयाबद्दल काही प्रश्न विचारले, आणि जाताना म्हटले बेटा तुझं 95% सिलेक्शन झालं असं समज। कारण बेटा हा शब्द मी आत्तापर्यंत आई वडिलांशिवाय कुणाकडनंच मी अपेक्षित केला नव्हता। इथे आल्यानंतर आपुलकी आणि अभ्यास या दोन गोष्टी खूप शिकायला मिळाल्या। यहां रहने वाले हर विद्यार्थी का खर्च सालाना 80,000 रुपए है। ये खर्च अनेकों संस्थाओं और दानशील दाताओं की आर्थिक मदद से पूरा किया जाता है। आज मनोबल में कुल मिलाकर 272 विद्यार्थी रहते हैं। मनोबल इन गरीब और हूनहार बच्चों का घर है। उन्हें किसी की दया, सहानुभूति नहीं चाहिए, बस चाहिए मित्रता, विश्वास और प्रेम। सर्वांगीण विकास, प्रेम, आनंद, आत्मविश्वास के उपज के कारण ये बच्चे आईएएस, इनकम टैक्स ऑफिसर, बैंक कर्मचारी बनकर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। दीप स्तंभ इज दैट सपोर्ट सिस्टम, इज दैट ब्लेसिंग दैट विल एक्चुअली कीप यू मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक कम व्हाट मे। आप चाहेंगे भी तो आप डाउन नहीं हो सकते। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मेरी पहली सबसे पहली मुलाकात हुई थी 8 मई 2014, और मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था 8 मई 2015 में। आज भी जब कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ जब कोई सामने आता है, कोई कुछ पूछता है, तो सर की कही हुई एक एक चीज याद आती है। दीप स्तंभ यह भारत के वंचित युवक युवतियों के लिए एक नई सुनहरी सुबह है। तो आइए साथ मिलकर इस जहां को और खूबसूरत बनाएं और हमारे जीवन को और अर्थपूर्ण बनाएं। जब दिल में था घना अंधेरा, लगता मैं हूं कि मैं नहीं हूं, कहीं से आसमां में उजाला आया, मन का पंछी गाता और गोते लगाता। अरे आसमां तो हमेशा से ही खुला था। सच मुझको मेरे होने पे यकीन आ गया,
सच मुझको मेरे होने पे यकीन आ गया।